मैं शिव हूँ, भोलेनाथ। भोलेनाथ होने का मतलब ये मत सोचो कि तुम लोग बहुत अच्छे से, सॉरी आप लोग बहुत ज्यादा हमारे पर हंसी उड़ा रहे हो, हमको भोला समझ रहे हो। भाई देखो, भोलेनाथ का काम ही है सबको, सबको सुख देना, सबको सुखी होने की कामना करना। शायद इसीलिए ध्यान में मगन रहकर सारे बुराइयों से, दुर्गुणों से डिटैच होकर, दूर होकर अपनी आत्मा और अंतरात्मा की बात को समझकर हमेशा सबसे प्रेम करते रहना, सबको अपना समझना। उनके पूरे परिवार को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि वो कितना भोला है। सर्प भी वहीं पे है, मोर भी वहीं पर है, बैल भी वहीं पर है, और वहीं पर चूहा भी है। तो आप देखकर ये समझ सकते हैं उन्होंने अपनी जटा में गंगा को, पतित पावनी गंगा को सम्मिलित किया है। कहने का मतलब कि हम जब आध्यात्मिक रूप से और आत्मिक रूप से इतनी सर्वोच्चता प्राप्त कर लें कि भोलेनाथ हो जाएं, भोला हो जाएं, तो समझिए कि हम लोगों को पतित पावन भी कर सकते हैं। वहीं पर शीतलता प्रदान करने वाले चंद्रमा भी है, सोम भी है, इसीलिए तो सोमनाथ भी कहते हैं इनको। और इनका जो तृतीय नेत्र है वो हमें संकेत देता है कि ज्ञान से हम जागृत कर लें अपने नेत्रों को। इन सब बातों पर विचार करने से बस एक ही निचोड़ निकलता है, एक ही लक्ष्य निकलता है कि ध्यान मग्न रहो, लोगों के कल्याण के बारे में समर्पित हो जाओ, विषधर बन जाओ, तब कहलाओगे भोला। जय शिव। शिव के कल्याणकारी विचारों को हम अपने में आत्मसात करते हुए शिव की वंदना करते हैं। और चूंकि हम भी तो शिव बाबा की संतान ही हैं, तो चलिए भोला बनते हैं, शिव बनते हैं, कल्याण, सबका कल्याण करने की उदात्त भावना से उत्प्रोत होकर जीवन सफल कर